Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए बच्चों, आज हम रोज बनाते हैं। एक सिंपल रोज जो लगभग सबको आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या डॉटिंग से ही बनाते हैं। डॉटिंग क्या सिंपल पड़ता है। थोड़ा हमको ऐसे क्या करना है, यू सिंबल बना लेना है। छोटा बनाते हैं क्या। सबसे पहले एक यू का सिंबल बना लेना है। अब क्या करना है, एक सर्कल ऐसे पेंसिल से बना लेना है। ऐसे ऐसे अब थोड़ा सा मिटा देना है हमको, बीच से ऐसे मिटा देना है हमको। ये ऐसे थोड़ा झुका के फिर ऐसे मिला देना है। ऐसे 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 हम गोल सर्कल बनाते हैं। यहाँ से हल्का मिटा के हम क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे इसको झुका देंगे। अब क्या करेंगे, ये इसका ग्रीन वाला पार्ट है। अब हम इसमें ऐसे थोड़ा सा ही इस तरह से ऐसे कर देंगे। इसमें थोड़ा हार्ट के शेप का बना देंगे। अब हम इसको पूरा करते हैं। गुलाब का फूल बनाना बहुत हार्ड नहीं होता है, बस कोई जल्दी बनाता नहीं है ना, तो बनाने की कोशिश करते हैं। बस वो सोच लेते हैं कि नहीं, आर्ट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। आर्ट बनाने से हमारा क्या, माइंड फ्रेश रहता है। हमेशा माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। हमारे जो माइंड पावर है वो बहुत ज़्यादा विकास करता है। अब देखिए, पहले में से ये परमानेंट मार्कर है। हमको जो गुलाब की पत्ती होती है वो थोड़ा टफ होती है, तो हम पहले क्या करेंगे, डॉटिंग से समझते हैं। पहले क्या करेंगे, डॉट से ऐसे लाइनें खींच लेंगे। इस तरह से डॉट की क्या, लाइन खींच लेंगे। अब जब हम बनाने लगेंगे तो हमको इसको थोड़ा ऐसे डॉट से ऊपर उठा लेना है, फिर ऐसे नीचे कर देना है, फिर डॉट से ऊपर ले जाके ऐसे करना है, फिर डॉट से ऊपर ले जाके ऐसे करना है, फिर डॉट से ले जाके कोना, हमको कॉर्नर बनाना है क्या, कॉर्नर ऐसे ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ले जाके ऐसे मिला देना है। फिर इसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे, इरेजर से मिटा देंगे, क्योंकि रोज का जो फ्लावर होता है उसकी पत्तियां क्या कोनेदार होती है, इसमें कांटे होते हैं। फिर हम यहाँ पे इसका कली बना देते हैं। कली आप ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम राउंड सर्कल में भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलिए अब हम कलरिंग करते हैं पहले इसको। ये हमारा ग्रीन पार्ट है,
फूल इसी में आके बैठ जाता है। मार्कर मेरा सही नहीं है, परमानेंट मार्कर हो गया है। हम कलर करते वक्त ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो भी है वो बाहर ना आने पाए, हमारी आउटलाइन से बाहर ना जाने पाए। ये हमारा डंठल है, हम इस पे एक से अधिक भी पत्तियां बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं। हमने पत्ती को रेड आउटलाइन में इसलिए किया ताकि हम मिटा के आपको बता सकें, फिलहाल पत्तियां रेड बहुत कम ही होती हैं, वो साइंस का पोर्शन हो जाता है कि पत्तियां कौन सी पत्ती कौन से कलर की होती है। कुछ पत्तियां रेड भी होती हैं, कुछ पत्तियां येलो कलर की होती हैं, और ग्रीन तो होता ही है। तो आप कलर करेंगे तो पूरी तरह से अच्छे से करेंगे। मेरा थोड़ा मार्कर है, ब्लैक और रेड मिलके रेड और ग्रीन मिलके ब्लैक बना लेता है, इसलिए मार्कर कहीं कहीं पे ब्लैक चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये हमारी जो कली है ये इस पे आके बैठी है। थोड़ा हमको यस टाइप में इसको बनाना है, क्या यस टाइप में। अब हम क्या करते हैं, रोज को कलर करते हैं। रोज कई तरह से बनता है, वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं रोज के, हार्ट के शेप में बनता है, ये पत्ती के शेप में बनता है। अब जैसे बना ले वैसे से, बस कलर करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमारा कलर जो है वो लाइन के बाहर ना जाने पाए। आप जो सिंपल फोटो में रोज दिखते हैं उसमें आउटलाइन होती है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखा है दिख रहा है जैसे मैं बनाया हूँ, उसी को आउटलाइन बोलते हैं। इससे क्या होता है, फ्लावर की लुक्स आ जाती है उसमें, वो दिखने में अच्छा लगता है। रोज बनाना बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड रखना है। हम जब भी फ्लावर को बनाएंगे तो इरेजर और पेंसिल के साथ बनाएंगे, और बाकी ग्रीन रहेगा, फिर उसके बाद ये कली हमारा रेड हो जाता है। जमीन हो गया, अब हम चाहेंगे तो इसमें और पत्तियां बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके बस ये ध्यान में रखना है आपको, पत्तियां जब भी बनाएंगे इधर भी बनेगा वो पत्ती। इसमें कॉर्नर जैसे नीम की पत्ती होती है सेम उसी तरह से ही
रोज़ की भी पत्ती होती है, पर इसके जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं और नीम की पत्ती के कॉर्नर थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या बनाया, रोज़ गुलाब का फूल बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।